हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका धुलेर अपडेट्स की एक और ग्राउंड रिपोर्ट में। और ये बहुत ब्यूटीफुल ग्राउंड रिपोर्ट होने वाली है, जिसमें पहला पार्ट हमने लॉन्च किया है आज, और बड़ा ही शानदार एक नया ग्राउंड रिपोर्ट आप सभी लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं। भारत की पहली ग्रीन सिटी धुलेरा SIR। जी हाँ, धुलेरा SIR, शानदार और ब्यूटीफुल ग्राउंड रिपोर्ट आप सभी लोगों के बीच। एक्टिवेशन एरिया, जो एरिया अभी फर्स्ट फेस में डेवलप हो रहा है, हो चुका है, इस पूरे ब्यूटीफुल एरिया की हम आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के आए। आइए शुरू करते हैं। जिस ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक्टिवेशन एरिया के अंदर कौन कौन से रोड्स हैं, कौन सी फैक्ट्रीज आ चुके हैं, रिवर फ्रंट कौन सी DP के अंदर है, सारी इन चीजों की बात करने वाले हैं। वेलकम टू धुलेरा, एक ऐसा शहर जो गुजरात में डेवलप होने जा रहा है और भारत की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी इसको कहा गया है। धुलेरा अहमदाबाद से करीब 80 किलोमीटर दूर है और एक बहुत शानदार और छोटा सा डेमो अभी यहाँ पर सरकार ने रेडी किया है। इस डेमो के अंदर लगभग 5500 एकड़ के अंदर एक प्लग एंड प्ले मॉडल के साथ ये जो आप सिटी का ये पूरा रुख देख रहे हैं, ये रेडी कर चुके हैं एक पहले फेस के अंदर, जिसपे मिनिमम जो रोड है वो 20 मीटर का है और मैक्सिमम रोड 70 मीटर का यहां पर रेडी कर चुके हैं, जो पोजिशनेबल है। आप यहां पर आके अपनी कोई इंडस्ट्री डाल सकते हैं, कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी काट सकते हैं, या कोई एक बड़ा कमर्शियल टावर यहां पर आप अपना शुरू कर सकते हैं। ये शहर क्यों खास है, इसकी थोड़ा सा हम डिटेल प्लानिंग पे जाएंगे। भारत के अंदर पहला एक ऐसा शहर जो प्लानिंग से बन रहा है, डिटेल प्लानिंग से बन रहा है, जोन प्लानिंग से बन रहा है। आज तक भारत में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसकी जोन प्लानिंग पहले से ही डिसाइडेड हो। जोन प्लानिंग का मतलब यह होता है कि आप जिस जगह जमीन ले रहे हैं उसकी परमिशंस आपको पहले दिन पता हो। जैसे वो कमर्शियल जोन में आता है या रेजिडेंशियल में आता है या इंडस्ट्रियल में आता है, या कौन सी रोड आपके प्लॉट में लगती है। एक ऐसा शहर जिसको सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और इंडिया की पहली जो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटी है ये उसका रूप ले रही है। बहुत ब्यूटीफुल ये पूरा शहर बन रहा है, जिस पूरे एरिया के अंदर कभी कहा जाता था कि ये पूरा एरिया लो लाइन एरिया है, यहां पर प्लांटेशन नहीं हो सकते, यहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, आज उस जगह भारत सरकार ने वो कर दिखाया है जो जिस पे हमें गर्व होना चाहिए। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर एक प्लांट भी यदि हम उगाते हैं तो उसका बहुत बड़ा टास्क होता है। उसके अंदर आप देखेंगे कितना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर प्लग एंड प्ले मॉडल के साथ ये रेडी कर चुके हैं। प्लांट का साइज देखिए, इतने बड़े बड़े प्लांट यहां पर ये रेडी हो चुके हैं। एक शानदार ब्यूटीफुल शहर जिसको प्लानिंग से बनाया जा रहा है। यहाँ की रोड, यहाँ का सीवरेज सिस्टम, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ का लाइट्स का कनेक्शन, यहाँ का गैस का कनेक्शन, यहाँ पर वाटर लाइन, एक एक चीज को प्लानिंग से बनाया गया है और फर्स्ट डे से ही इसकी एक एक प्लानिंग पे काम किया गया है। बहुत ब्यूटीफुल सिटी बन रही है और भारत की जितने भी आज तक शहर बन रहे हैं वो बाई डिफॉल्ट बने, लेकिन इसको प्लानिंग से बनाया जा रहा है। इसके लिए सरकार का विजन ही बहुत बड़ा है। आप देखेंगे इस तरह बहुत सारे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की गवर्नमेंट की प्लानिंग जरूर है आगे की, लेकिन पहला स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन इन्होंने तैयार करने की सोची गुजरात में। गुजरात अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट से लगभग 80 किलोमीटर दूर ये पूरा एक बैरन लैंड का पूरा एरिया, एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल ये बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ था, जिसके अंदर ना तो कोई खेती होती है, ना कोई इस तरह का कुछ हम उसमें सरकार प्लानिंग कर सकती है। तो सरकार ने सोचा क्यों ना हम इसको जो है एक शानदार
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम प्लान करें। तो गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया प्लानिंग की, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज को यहाँ पर हायर किया और बिगेस्ट और बेहतरीन कंपनीज को हायर करने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी को प्लान करने का इन्होंने निर्णय लिया। आज देखेंगे तेजी से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है और यहाँ पर तेजी से विकास आ रहा है। जिन जमीनों को कभी कोई पूछता नहीं था, कौड़ियों के दाम में कोई खरीदता नहीं था, फ्री में कोई इन जमीनों को लेता नहीं था, आज आप यहाँ पर जमीनों की कीमत देखेंगे तो कई सारी बड़ी जगह इस धोलेरा के अंदर ऐसी हैं जहां पर आप आसानी से जमीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहां पर आज सप्लाई खत्म हो चुका है। क्यों? इसकी डेप्थ प्लानिंग में हमें जाना पड़ेगा। आप देखेंगे धोलेरा SIR के अंदर धोलेरा अपना खुद का पर्सनल एयरपोर्ट बना रही है, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट के अंदर काम चल रहा है और ये बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आप देखेंगे आपके घर के आसपास कोई भी छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा आता हो, हॉस्पिटल कोई आता हो, कोई गवर्नमेंट का सरकारी कोई ऑफिस आता हो, कोई बैंक आ गई हो, या कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज आती हो, तो आसपास का जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। तो सोचिए कितना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर आर्टिफिशियल नदियां बनाई जा रही हैं। आप जो पूरा यह दृश्य देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल नदियां हैं। इस पूरे शहर के अंदर ऐसी बहुत सारी नदियों को बनाया जाएगा जो आर्टिफिशियल होंगी। 6 किलोमीटर लंबी एक नदी ये बना करके रेडी कर चुके हैं जो पूरी आर्टिफिशियल है, वाटर मैनेजमेंट के लिए। जितना भी इस पूरे शहर के अंदर बरसात होगी उस पूरे पानी को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने ये पूरे वाटर को मैनेज करने के लिए ये रिवर बनाई है। आप यहाँ की सड़कें देखिए कितनी शानदार सड़कें हैं। लगता है यहाँ आने के बाद कि हम भारत में नहीं घूम रहे हैं, हम दुनिया के किसी बढ़िया शहर में घूम रहे हैं, यानी कि कहीं फॉरेन में घूम रहे हैं। बहुत शानदार और सटीक तरीके से यहाँ पर प्लानिंग की गई है। साइकिल ट्रैक आप देखिए, यहाँ का फुटपाथ आप देखिए, यहाँ की प्लांटेशन को आप देखिए, यहाँ के रोड के डिजाइनिंग को आप देखिए, एक एक चीज को यहाँ पर प्री प्लान किया गया है। सेंसर्स का प्रयोग किया गया है, पूरे सिटी को यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्टेड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में हम इस शहर को बोल सकें कि भारत के पास भी एक इंटरनेशनल सिटी है। जी हाँ, इंटरनेशनल सिटी इंडिया के अंदर भी। यहाँ पर जगह जगह आप देखेंगे बहुत खूबसूरत पार्क बनाए गए हैं, बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर पार्क बनाए गए हैं। ये पार्क डेवलप हो चुके हैं, आप यहाँ पर अपनी आकर के सेल्फी ले सकते हैं, अपनी वीडियोस बना सकते हैं, आकर के घूम सकते हैं। और इस पूरे जो एरिया को गवर्नमेंट डेवलप कर चुकी है इसका आनंद ले सकते हैं। तो मैं जरूर आप सभी को इनवाइट करता हूं, आप एक बार जरूर यहां पर आए, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को आनंद लीजिए, आकर के यहां पर चाहे तो छोटा या बड़ा कोई निवेश कीजिए। और इस तरह और बहुत सारी वीडियोस का आनंद लीजिए। हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें वीडियो को। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस तरह बहुत सारे वीडियोस हम अपने चैनल के ऊपर डालते रहते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 के अंदर हम बात करने वाले हैं रिन्यू पावर की, सोलर पार्क की डिटेल से बात करने वाले हैं हम, ABCD बिल्डिंग जो वन विंडो सिस्टम बनाया गया धोलेरा के अंदर उसकी बात करने वाले हैं। ये आप देखेंगे बिगेस्ट सोलर पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क यहाँ पर बनाया गया है। जरूर आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।